हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ढेर सारा स्वागत है आपका बड़ी देर बाद। तो आज जो ब्लॉग है वो मैं काफ़ी देर बाद जो है वो बना रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ इतनी देर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली है और जब मैं सो के उठा, उठते मेरा नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो गया। अच्छे गलियों में खेल रहे हैं होली, तो मुझे अपना वो बचपन याद आ गया। तो आज दोस्तों तारीख है, कितनी तारीख है आज? 18 मार्च। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और मैं उठा हूँ थोड़ी लेट। आज का लेट ही उठता हूँ। मेरा आप कैप्शन पढ़ लेना, क्या सीन चल रहा है मेरी लाइफ में। ये सुबह सुबह ही पापा ने डिम्पी के लिए जो है वो फ्रूट सैलेड बना दिए और अभी डिम्पल बना रही है कड़ी। अभी बड़े दिन बाद कड़ी बनाने लगी है। और ये जो है इसकी बनेगी ना, ये पानी भी दही फेंट के रखा हुआ ना, बेसन डाल के। एक काम कर दो, पहले ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद बाहर जाता हूँ। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मतलब किस तरह से होली चल रही है और हम होली खेलते थे बचपन में। तो अभी बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गली में और ये छोटे मोटे बच्चे जो हैं होली खेल रहे हैं। सारे पहले विश कर दो सबको हैप्पी होली। ये सारे देखो, इसका नाम विवेक है, इसका नाम अभी है, इसको आपने देखा होगा। एंड शी इज मायरा। मायरा हाय कर दे। मायरा, आपके मुंह पे रंग किसने लगाया? किसने? अभी ने। अभी कौन है? भूत। ये भैया नहीं आपका बड़ा? भूत है। अच्छा, नहीं बाल भी गिले हो गए। देना जवाब, बड़ा सुंदर लग रहा तू तो। यहाँ पे कृष्णा नगर की गैंग आ गई है। ये कृष भाई, ये दीयू, ये पूरी गैंग अभी जा रही है हमला करने कहीं पे। बेचारों को चीला कर दिया लड़का को। शाबाश। चलो भागो, बताओ अपने मैम को। जाओ जाओ जाओ, पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ पढ़ जाओ। और यहाँ पे गैंग फुल फॉर्म में आ गई है। ये हमारे, चलो अब सेकंड स्लॉट, चलो वेरी गुड। ये तो बड़ा तेज है यार, कौन है ये? तो देखा ना आप लोगों ने कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं घर आ गया हूँ, टाइम 11 बज गए हैं।
मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ नहा के, फ्रेश एकदम हो गया हूँ, देख रहे हो कपड़े भी चेंज कर लिए, और अभी खाना खाता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद दिन ही देखते हैं क्या चलता है। सबसे पहले पापा को कल ही बोल दिया था कि सैलड टिम्पल खाती है ना, तो मैंने बोला था मेरे लिए भी रख देना। तो अभी थोड़ा थोड़ा करते हैं टेस्ट। ये कीवी, बड़ी खट्टी है, ये 5 मिनट ऑफिस नहीं आती थी, क्या नाम था उसका, काला जादू, काला जादू, ये पूरी काला जादू है। ची तो नहीं कहना चाहिए वैसे, बड़ी खट्टी है। लेकिन अब पपीता टेस्ट करते हैं। यस, पपीता अच्छा है। आज मन कर रहा है कहीं पे घूमने का, पर देखते हैं क्या सीन बनता है। आज बड़ी देर व्लॉग ना आ रहा हूँ, तो 3-4 कंटेंट दिमाग में आ रहे हैं, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आज किस पे किस राह पे चला जाए। तो देखते हैं, अभी सबसे पहले खाना खाता हूँ, उससे फ्री होता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या चलता है। दोस्तों यार टाइम हो गया दोपहर के 2:30, और बोर हो के यार बड़ा बोर हो गया हूँ मैं, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। आज होली है, लोग एंजॉय कर रहे हैं होली वाले दिन, लोग होली वाले दिन लोग एंजॉय कर रहे हैं सारे, और हमने रंग भी लाया था। पापा को मैं बोल दिया था सुबह कल ही की रंग ले आना, ऐसे करेंगे। तो जब मैंने डिम्पल को पूछा, उसका भी मन नहीं था, जब डिम्पल का मन नहीं हो तो फिर मेरा भी मन नहीं होता, इसलिए फिर ये ऐसे ही रहा, ठंडा ही रहा काम हमारा। अभी 2:30 बजे, तो देखते क्या सीन बनता है पूरे दिन। ओ यार मेरे को कंटेंट नहीं मिल रहा यार, मैं पागल हो गया हूँ मैं सुबह से, जब व्लॉग बनाओ कंटेंट कुछ नहीं मिलता, ऐसे साला जब नहीं बनाना हो तो गुजारे। और शैम्पू लेने गया था इसके लिए, लाया एक ही बारी, ये कहती खत्म हो गए, एक ही बार मैं पूरे उधर से ले आया, वो लड़ी उठा के वैसा जितनी चाहिए यूज करो खुले। आप खुद ही बताओ क्या इंसान बोर नहीं होता सेम जगह रह के, सेम जगह खाना पीना, सेम जगह सोना, फिर सेम जगह उठना। सबसे सही लाइफ जो एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम वो है स्टूडेंट्स, इतना मजा उनकी लाइफ में, सुबह उठना वकी पकाई खानी, जो भी है जो जैसा भी है चले जाना, माइंड फ्री होके पढ़ना है वहाँ पे, अपने दोस्तों से मिलना है, और फिर मतलब हैंग आउट करके पूरा बाहर आगे पीछे घूम के फिर आना, फिर ट्यूशन के लिए चले जाना, फिर घर आना, फिर खाना खा के सो जाना। और सोते वक्त टेंशन नहीं है कि अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब हमारा ऐसा है कि हमारे माइंड में एक तो खानों की टेंशन बड़ी ज़्यादा, खाना क्या बनना है, बना रहा बेशक जो मर्जी होता है, लेकिन मेंटली पार्टिसिपेट उस पर सभी का होता है, प्लस फैमिलीज़ के जो हैं चीज़ें, उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, अब तो वो अलग है, और टेंशन अलग, पढ़ाई अलग, ये अलग, ऊपर से कंटेंट नहीं है स्यापा। तो अभी कुछ करते हैं, बाहर जाते हैं, निकलते हैं यार, घूमने का मन कर रहा है। अभी मैं सोच ही रहा हूँ कोलैबोरेशन करने की किसी के साथ, कोलैबोरेशन क्या है मतलब मेरे किसी अपने बंदे के साथ, कोई ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, देखो अब क्या होता है। सो टाइम हो गया दोपहर का 3, और ऐसे नलका लेट आता है और आज बड़ी जल्दी आ गया, क्योंकि उसको पता है शुभम डोर आ गया, बोरिंग फील कर रहा है, तो और उसको इरिटेट करने के लिए मैं जल्दी आ जाऊँ, तो सारी चीज़ें उसमें वो कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं अपना अपना। अभी पानी भरते हैं, फिर देखते हैं कहीं चक्कर लगाने जाना है। डिम्पल सुबह से आई नहीं रही कैमरे में, वो कह रही मैं नहाई नहीं हुई हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं आना। वो बेचारी कहती है ऐसे मैं घर के लुक में होती हूँ तो आ ही जाती है, ऐसा भी कह रही मैं नहाई भी नहीं और बुरी लगूंगी, इसलिए वो आ ही नहीं रही थी। अभी मैं पानी भर के फ्री होता हूँ, रेडी शेडी होके देखते हैं कहीं प्लान बनता तो निकलते हैं, नहीं तो इधर ही खजल होते हैं। और क्या पानी जो है वो ऑलमोस्ट मैंने भर दिया, ऑलमोस्ट क्या भर हो गया। तो ना अभी जो है विपुल ने फ़ोन किया था, वो कह रहा है कहीं पर जाना, अभी उसके साथ जा रहा हूँ, उससे पहले जो है अपनी बहन जो है वो रेडी हो रही है, इसको पता चल गया कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो ये कह रही है कि चल चलते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ
वो तो बस भाई मेरे कई बार नहीं भी मानती, बड़ा मन कर रहा हो इसकी ना ना ही होती है, पर आज वैसे भी बोर हो रहा है, 2 दिन हो गया घूमे हुए, तो चलते हैं। सबसे पहले विपुल के पास चलता हूँ, वो आ रहा है। क्या हाल है भाई, कहाँ जाना है? ये सामान बड़ा हुआ ना। ये दंगों के लाना अभी विपुल बोल रहा था कहीं घूमने चलते हैं, पर हमारी ऑलरेडी प्लानिंग है, तो ये कह रहा है मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अपने अपनी पर्सनल टॉक्स करनी होता है ना बीच में, तो इसलिए अभी ये जा रहा है। जब मैं घर आता हूँ फिर शाम को इसके घर जाऊंगा, और कोई डेविल से भी मिलाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो गया अपने से, 1/4 साइज ज़्यादा बढ़ गया हुआ वो। अभी ये जाता अभी ये घर जा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ घूमने। ठीक है चल विपुल भाई। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया यहाँ पे गाड़ी लेके, गाड़ी मैंने निकाली और यहाँ पे आ गया, डिंपल को फ़ोन कर दिया, अभी वो आ रही है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी आज यहाँ पे शायद से अमित शाह आया ना, हमारे होम मिनिस्टर, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। एक नार रोड वाले रोड पे दिखाता हूँ आपको, ये अपना कॉमर्स कॉलेज, एज यू कैन सी शी इज़ देयर। माफ़ी करना है इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं मेरे को, बोलने का बड़ा कक्का है, पर आ गई है, अभी निकलते हैं। ठीक है फिर चलो लेट्स गो। अभी हम पहुंच गए नगरोटा में, एसी लगाया है वो आराम से, ये मेरी ठंडी ठंडी हवा, ये अच्छा फील आ रहा है, थोड़ा घर से बाहर आ गया, देखते हैं भूख भी लगी हुई है, कुछ खाते हैं। खाना कैसा है? बंद कर खाना। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना जम्मू का हाईवे कितना नीट एंड क्लीन है, देखो सर। किधर कौन किधर? अच्छा ये देखो, मतलब रोड दिख रहा है, रोड की सफाई देखो आप यार, कितना साफ रोड है ये, मतलब कोई है। और यहाँ की मेंटेनेंस भी डेली होती है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही रहता, अगर गंदा हो जाए तो गंदा ही रहता। तो दोस्तों अभी माहौल ये है कि हमने ऑर्डर दे दिए हुए कुछ खाने के लिए, अभी चाय सुट्टा बाहर का क्या चक्कर है, वहाँ पे रश बड़ा ज्यादा होता है, दुनिया बाहर जहान के, दुनिया बाहर के कह रहा, दुनिया जहान के लोग वहाँ पे आए होते हैं। हमने सोचा जितनी देर तक ऑर्डर का वेट करना है तब तक हम आगे थोड़ा घूम के आते हैं, इसलिए अब हम आगे जा रहे हैं नगरोटा से भी, और आगे जा रहे हैं आते वक्त यहाँ से ऑर्डर लेके, और पूरा खज्जल होके गंदा वाला, जब तक पूरा मतलब पागल नहीं हो जाए बंदा फिर के, तब तक हम घर नहीं जाएंगे भाई इतनी जल्दी, अभी तो शुरुआत हुई है, लेट्स गो चलो आगे। सो गाइस रास्ते में पहुंचे थे, एक जगह अच्छी दिखी तो मैंने इसको बोला चल तेरी फोटोज खींच देता हूँ 2-3, इसको फोटो खिंचाने का बड़ा ज्यादा शौक है आपको पता ही होगा, अभी हम फोटोज खिंचवा रहे थे, तो ये बेचारी पता क्या बड़ा शाई फील करती है आपसे, यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं आगे पीछे, तो ये ज्यादा वो नहीं है तेरे को, ज्यादा तो खुली हुई नहीं है ना ज्यादा, बड़ी इंट्रोवर्ट है ये, शर्मा आ जाती है ऐसे कोई बंदा अगर जैसे कोई फोटो खिंचवा रहा है साइड पे, तो लड़कियाँ अगर खूबसूरत लड़की फोटो चाह रही है तो कोई ना फिर देखेंगे ना लोग, तो इसको कोई ऐसे मतलब कोई मुड़के भी देख लेना कोई जाते, तो इसको ये बड़ा ज्यादा ऐसे शाई हो जाती है, कह रही नहीं यहाँ से चलो चलो चलो, अभी खींची इसकी 3-4 फोटो है, आगे चलते हैं क्या सीन है, पर पेट जो है वो मचल रहा है भूख की वजह से, तो पहले पेट पूजा करते हैं फिर देखते हैं आगे कहाँ मचल, आवाज आ रही है ना शोर बड़ा गाड़ियों का यार, अभी चलते हैं गाड़ी में, नहीं गाड़ी में बैठते हैं, चलो गाइस आगे जाके मिलते हैं आपको। चलते चलते हम पहुंच गए सेल्फी पॉइंट पर, सीन ये है कि बेचारी डिंपल जो है उसकी फोटो अच्छी नहीं आ रही, इसलिए वो थोड़ी सैड है, इसलिए वो यहाँ पे देखो ऐसे सड़ा हुआ मुंह करके खड़ी हुई है, कोशिश बड़ी कर रही है फोटो अच्छी खिंचा रही है, पर अच्छी आ रही, पर इसको अपने इसको इतना कोई समझाएगी मतलब फोटो सब अच्छी आती है, बंदा पूरा तैयार शायर हो गया मतलब क्या, मतलब कई बार नहीं सही आती यार, मेरे साथ भी बड़ी बार ऐसा होता है, तो ये बेचारी इसकी आई अच्छी है पर इसको लेजेंडरी लेवल की पसंद है ना। तो अभी यहाँ पे हम खड़े हैं मैं और डिंपल, अगर यहाँ से मेरा फोन छूटा तो फोन गिर जाएगा नीचे, इसलिए फोन पीछे कर लेता हूँ और आपको व्यू चेक करवाता हूँ, यहाँ का सनसेट हो रहा है और देखो ये रोड चेक करो आप, वो जा रहा आगे तक, और यहाँ से रोड आ रहा है ये, और ये रोड जा रहा आगे को वैष्णो देवी को, उधमपुर वगैरह श्रीनगर वाला हाईवे। तो अभी आप क्या चाहते हो, फोटोज आप खिंचवाना चाहते हो? और मैं
बस निकल गई हवा। हाँ चलो मारो डाई फिर। मतलब सिर्फ हम ही आज घर पे बोर हो रहे थे, बाकी सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जिंदगी की मजे वो लाइफ वही जी रहे हैं। ऐसे पूरी यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में सारे लोग मतलब कि अपने हिसाब से जो जो उन्होंने पीना होता वो पी रहे हैं। गलत बात है यार, लेकिन कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ तो अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही वो यहाँ से निकलते हैं बड़के मारते मारते, तो वो गलत है। देखो देखो बाय बाय कर रहे हैं, मैंने भी कर दिया बाय बाय। कोई बात नहीं यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हमें क्या लेना देना। सही बात है, अभी हमारा ऑर्डर आ गया होगा, हम जाते हैं वहाँ पर और अपना मील इंजॉय करते हैं। ये आ गए जी अपने स्नैक्स, हमने ज़्यादा टाइम लगा दी फोटो खींचने में कुछ, इसलिए थोड़े से ठंडे हो गए हैं। चलो फिर भी टेस्ट ठीक है ना। ओके बेचारे डिंपल यार। तो यार मैं अपनी चीज़ भी एक भूल गया कि जो मैं जो भी चीज़ खाता हूँ पहले अपने सब्सक्राइबर्स को टेस्ट करवाता हूँ। तो पहले आप पेरी पेरी फ्राइज़ को थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा दी और सॉस लगा दी है, ये आप खा लो। चलो आपके हिस्से का मैं ही खा लेता हूँ। ये भी खा लो सैंडविच, अभी आपके हिस्से का डिंपल खा लेगी। फ्रेश है ना? ये देखो मेरा स्टाइल कैसे खा रहा हूँ मैं, पागलों की तरह। वहाँ से सीधा हम पहुँच गए नेस्कैफे। आइस टी पीने का मन था क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा, एक मेरा पेस्ट्री खाने का भी मन है, ये नहीं खाएगी वो मैं ही खाऊँगा। रिफ्रेश होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तू बताना तेरे को ऐसे क्राउडेड प्लेस पसंद है या ऐसे कम लोगों फिर ज़्यादा मज़ा आता है? कम लोगों, ज़्यादा लोगों फिर नहीं मज़ा आता नहीं। वैसे यहाँ पे कितने लोग आते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ आ रही हैं, अब जहाँ पे मतलब हमने भी लगाई इसके साथ आगे पीछे भी रश बड़ा है यार यहाँ पे। आइस टी पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं चुपचाप करके, है ना। चल ठीक है। सो गाइस हियर वी रीच्ड होम, घर आ गए हम। मैं तो नहीं थका, डिंपल थकी बेचारी, आए वो लोगों को देख के हैरान हो गई कि इतना इतना इतने लोग ओवर फ्रैंक हो जाते हैं बाहर आके, है ना। तो उसके दिमाग में भी चल रहा है कि लोग कैसे शराबे पी के मतलब बड़के मार सकते हैं और ऐसे मतलब कर सकते हैं, मतलब क्या क्या बोले वो। तो मैं तो जब मुझे तो पता है मैं उन चीज़ों को यूज टू, ये बाहर कम जाती है तो इसको पता नहीं है इतना। अभी मैं जा रहा हूँ विपुल के पास और डिनर हम करेंगे रात को 9:30-10 बजे तक, तब तक तू चावल बना। अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप चबल बना लो, इट्स नॉट चावल इट्स चबल, चबल आप चबल बनाओ और मैं किसी और को चबल बना के आता हूँ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ बाय, तो आप मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो सो जाओ, पता कि शाम को विपुल के पास जाएंगे। तो हाय गाइस, ये मैं विपुल के पास पहुँच गया और ये बड़ी जल्दी पहुँचा। ये है डेविल, ही इज डेविल। देखो जब फर्स्ट डे आपको बताया था तो फर्स्ट डे नहीं मतलब इसको थोड़े दिन नहीं हुए थे लाए हुए, तो कितना सा था ये, तो अब देखो कितना बड़ा हो गया। देखो पूरा तेरे इक्वल ही लग रहा है एकदम। तू क्या कंपेयर कर रहा है, तेरे जितना नहीं लग रहा साला। नहीं नहीं ये देखो आप खूंखार जानवर, ओवर फ्रैंक होने की कोशिश में यहाँ पे। चलो विपुल भैया के पास देखो, है ना, बच्चे कब बड़े होते हैं पता नहीं चलता। अभी मैंने और विपुल ने कोई अच्छा खासा आधा पौना घंटा हैंग आउट किया, बाहर गए थे घूमने, वहाँ पे रश बड़ा था, वीडियो बनाई नहीं है। अब ये जा रहा है, उसको काम है, तो अभी हम कल ही मिलेंगे, ठीक है। मज़ा आया। ओके ब्रो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चल फिर भाई, क्या क्या मजा आइए। सो गाइज आज का व्लॉग इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो और व्लॉग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं जो है वो यूट्यूब पर ग्रो कर सकूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो तब तक लिए आप सभी रखें अपना ध्यान। जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम।